بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم قابل قدر سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول مبعوث فرمائے گئے رب دو جہاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا فرمایا جو پیغام تھا وہ پہنچایا جو احکامات تھے ان سے واقف کرایا جو تاکیدات تھیں ان کی خبر دی کفار آپ کو جھٹلاتے منکرین آپ کا مذاق اڑاتے دشمن تمسخر کے ساتھ سوال و جواب کرتے اور کسی بات کا یقین نہ کرتے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تمام شواہد کے باوجود انہوں نے اس کو کبھی نہیں مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ کبھی تسلیم نہیں کیا اعمال کا حساب و کتاب ہوگا ان کی عقل اس حقیقت کو رد کرتی تھی قیامت آئے گی اسے بھی وہ جھٹلانے کی کوشش کرتے رہے قیامت تو واقع ہونی ہے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر قیامت کا تذکرہ ہے باقاعدہ ایک سورت قیامت کے نام سے نازل کی گئی ہے جب قیامت قائم ہوگی اس کے وقوع سے پہلے جو ہوگا اس کو بھی قرآن کریم نے متعدد جگہوں پر مختلف پیرائے میں بیان کر دیا ہے کہیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے اذا السماء انفطرت کہیں فرمایا اذا السماء انشقت ایک موقع پر فرمایا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ اور کہیں فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ جب یہ سب کچھ ہوگا اور جس دن ہوگا وہی دن قیامت کا دن ہوگا یہ دن آنے والا ہے پوری دنیا انکار کرے تب بھی اس کا وقوع ہوگا مٹھی بھر لوگ منکر ہوں تب بھی یہ سامنے آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی کوئی چیز باقی نہ رہے گی اور قیامت اس لیے قائم ہوگی کہ انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا انسانوں سے باز پرس ہوگی پوچھا جائے گا
ये ऐसा क्यों किया और ये क्यों नहीं किया, हर बात लिखी हुई मौजूद होगी, गवाह होंगे, शहादतें कायम की जाएंगी, सबूत दिए जाएंगे, गर्ज इंसाफ के तमाम तकाज़ों की तकमील होगी। क़ुरान मजीद का इरशाद है, न कमी की जाएगी न इजाफा होगा। कमी से मुराद अच्छे आमाल घटाए नहीं जाएंगे, इजाफे से मुराद बुराइयों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा जाएगा। इंसाफ का हक भी जब ही अदा हो सकता है जब मुनसिफ यानी इंसाफ करने वाला तमाम तकाज़ों को पेशे नज़र रखे, किसी गोशे से नज़र न बचाए और किसी पहलू को न छोड़े। ये तमाम चीज़ें तो उस दिन पेश आएंगी जिस दिन क़ियामत आनी है, मगर बेशुमार चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम क़ियामत के आसार और अलामतें कह सकते हैं। जब वो ज़ाहिर होने लगें तो समझ लेना चाहिए कि क़ियामत का ज़माना करीब है। जब वो फितने उभरने लगेंगे और सर उठाने लगेंगे कि उनसे क़ियामत ज़्यादा दूर नहीं रहेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से क़ियामत की लातादाद अलामतें अदा हुई हैं और आपने बेशुमार आसार की तरफ इशारा फरमाया है कि जब ऐसा होगा तो क़ियामत आ जाएगी, जब यूं होगा तो क़ियामत आ जाएगी। तनब्बुह और आगाही का मकसद ये है कि बंदगाने खुदा अपने आप को सुधार लें, अच्छे आमाल कर लें, नेकियों के खूगर हो जाएं और रब्बे दो जहां की नाफरमानियों से ख़ुद को बचाएं। इस सच्चाई को अच्छी तरह जहन नशी करने बल्कि इस पर मुकम्मल यकीन कर लेने की ज़रूरत है कि दुनिया को तो मिटना है, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसका वजूद कुछ वक्त के लिए है और वो वक्त हज़ारों लाखों साल का है या अब चंद साल का है, इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानहू को है, उस रब्बे दो जहां को है जिसने इस कायनात को बनाया, सजाया और सवारा, व खालिक है और उसी ने इसकी उम्र मुतय्यन की है। दुनिया कितने साल जिंदा रहेगी और कितने बरस बाकी रह गए हैं, इन सब की वाकफियत अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं है। इसलिए जब उसने इसके वाक़े होने का तज़किरा फरमा दिया तो समझ लेना चाहिए कि हर सूरत में वाक़े होगी। और जब उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अलामतें ज़िक्र फरमा दी तो वह अलामतें भी लाजिमी तौर पर ज़ाहिर होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, उन फितनों से पहले अमल कर लो जो अंधेरी रात के टुकड़ों जैसे सियाह होंगे। एक शख्स सुबह सवेरे मोमिन रहेगा और शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन रहेगा और सवेरे काफिर हो जाएगा। वो अपने दीन का दुनिया के सामान से सौदा कर लेगा, यानी वो दुनिया के लिए अपने दीन व ईमान की परवाह नहीं करेगा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही से मरवी है कि जब दीन के माल को अपना माल बना लिया जाएगा और अमानत को माल गनीमत और ज़कात को तावान और दीन का इल्म दीन के अलावा दूसरे मकसद से हासिल किया जाए
एक शख्स अपनी बीवी की बात मानेगा और माँ की बात ठुकरा देगा, दोस्त को करीब कर लेगा, बाप को दूर कर देगा, मस्जिद में शोर होने लगेगा, कबीले का पेशवा बद किरदार बद अखलाक शख्स होगा और कौम का लीडर सबसे बुजदिल शख्स हो जाएगा। एक शख्स की इज्जत उसकी शरारत के डर से की जाएगी और गाने बजाने आम हो जाएंगे, शराब पी जाएगी और उम्मत के बाद के लोग अपने पहले के लोगों को लान तान करेंगे। ऐसे वक्त सुर्ख आंधी जलजला ज़मीन में धसाए जाने और सूरतें बदल दिए जाने और दूसरी निशानियों का इंतज़ार करना जो बराबर ऐसी आएंगी जैसे मोतियों के हार का पुराना धागा टूट जाए तो एक के बाद एक दाने बराबर गिरा करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत करदा इन दोनों अहादीस में क़ियामत की कुछ निशानियों का बयान है। आलम यह हो जाएगा कि सुबह को साहिब ईमान काफिर होगा, शाम को मोमिन कहलाए जाने वाला सवेरे काफिर की सफ़ में खड़ा होगा। दुनिया के लिए अपने दीन को छोड़ने वाले सामने आएंगे और सिर्फ दुनिया का हुसूल उनका मकसद ज़िंदगी बन जाएगा। चारों तरफ निगाह दौड़ाइए उठाइए देखिए, अतराफ और जवानिब पर नज़र डालिए, क्या कौम के रहनुमा और कायद वो लोग नहीं हैं जो कबीलों में सबसे ज़्यादा बद किरदार बद दियानत और बद आमाल हैं। किसी के जुल्म और शरारत की वजह से उसकी इज्जत की जाएगी, दफ़े शर के लिए उसकी पजीराई होगी। दुनिया में जो मालदार कहलाते हैं उनके माल की वजह से लोग उनके सामने बिछे जाएंगे, शराब आम हो जाएगी, गाना बजाना कसरत से होगा, फितने इस तरह से बरपा होंगे और इस तसलसल के साथ उभरेंगे कि उनका दिफा भी मुश्किल हो जाएगा। ये कुछ अलामतें और निशानियां हैं क़ियामत की। इनके सिवा और भी निशानियां हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ही की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान कर रहे थे कि यकायक एक शख्स आया और कहा कि क़ियामत कब आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अमानत बर्बाद कर दी जाए तो क़ियामत का इंतज़ार करना। उसने कहा कि इसकी बर्बादी कैसे होगी। आपने फरमाया जब नाअहलों को ओहदे और मनसब दे दिए जाने लगेंगे तो समझो क़ियामत आ जाएगी, क़ियामत का इंतज़ार कर लेना। इस वक्त कुछ फितने तो हमारी निगाहों के सामने हैं, कुछ को हम बहुत करीब से देख रहे हैं, कुछ हमारी नज़रों से ओझल हैं, लेकिन वो भी जल हमारे सामने होंगी। जो ज़बान मुबारक से अदा हुआ वो ज़रूर होना है, ये हमारा ईमान है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अलामतें क़ियामत की और जितने आसार इसके वाक़े होने के ज़िक्र किए हैं वो यकीनी तौर पर होंगे, लाजिमन होंगे। हमारा ज़हन हमारी फ़हम और हमारी समझ इसका इदराक करे या न करे, सच्चाइयों का तो ज़ुहूर होना है। और फिर ये तो वो सच्चाइयां हैं जिनको अल्लाह जल्ला शानहु ने और रसूल रब ने वजाहत के साथ बयान फरमा दिया। इन फितनों के सद्देबाब के लिए पहली चीज़ हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है, फिर बुनियादी दीनी तालीम को आम करना ज़रूरी है।
जब कोई दीन की बुनियादी तालीम से वाकिफ रहेगा तो फिर इंशाअल्लाह वह फितनों का शिकार नहीं होगा। आवाम को उलमा से जोड़ने और अपने मसाइल शरी तरीक़े पर हल करवाने की भी सख्त ज़रूरत है। दूसरी चीज़, हम जिंदा उम्मत के फ़र्द हैं, हमारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपके बाद कोई नहीं आने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मेहनत करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा के लिए तशरीफ़ ले गए उस वक्त आपके तकरीबन 1,24,000 सहाबा मौजूद थे। इस मौके पर आपने उनको आपके लाए हुए दीन को इंसानियत तक पहुंचाने का वादा लिया था और उन्होंने आपसे वादा किया और पूरी दुनिया में वो इस्लाम को लेकर फैल गए और दुनिया के चप्पे चप्पे में तौहीद की अमानत को पहुंचाया। आज हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि इशाअत दीन की मेहनत खूब करें, इसकी तबलीग के लिए कमर बस्ता हो जाएं, अपनी जान, अपने माल और अपनी सलाहियतों को खुदा के लिए, दीन के लिए लगाएं। और तीसरी चीज़, दीनी मकातिब का क़ियाम अमल में लाया जाए ताकि इसके ज़रिए हमारी नस्ल दीन की बुनियादी तालीमात से आरास्ता हो सके। इसलिए मकातिब का क़ियाम नहायत ज़रूरी है। ये बुनियादी काम है जिनसे ईमान की हिफाजत होगी और हमारी नस्लें इंशाअल्लाह दीन से दूर नहीं होगी और हम उन फितनों का मुकाबला कर सकेंगे। इसके साथ साथ इन 10 चीज़ों का बतौर ख़ास एहतमाम किया जाए। नंबर 1, उलमाए रब्बानीयीन की तहरीरों, तकरीरों और उनकी मजालिस से फितने को जाना जाए और उसके अंजाम पर नज़र रखी जाए और इससे बचने की मुकम्मल तदाबीर इख्तियार की जाए। नंबर 2, दुआ का एहतमाम किया जाए, अल्लाह के सामने हाथ फैलाया जाए। नंबर 3, इस्लामी फ़राइज़ का ख़ास एहतमाम किया जाए, मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और हर हालत में इन फ़राइज़ को अदा करने की आखिरी कोशिश की जाए। नंबर 4, मकसद हयात, अल्लाह की इबादत और उसकी रज़ा का हुसूल हर हालत में पेश नज़र रखा जाए और इखलास के साथ इस पर अमल करने की कोशिश की जाए जिससे अल्लाह राज़ी होते हैं और हर उस कौल व अमल से बचा जाए जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं। नंबर 5, आखिरत की फ़िक्र अपने अंदर पैदा की जाए और इसके लिए सालिहीन की सोहबत इख्तियार की जाए और ऐसी किताबें पढ़ी जाए और घर में इसकी तालीम की जाए जो फ़िक्र आखिरत पैदा करती हूँ। नंबर 6, इस्लाम के बारे में अधूरी मालूमात रखने वालों से बचा जाए। नंबर 7, दीनी तालीम हासिल करने का निज़ाम बनाया जाए, हमारी तमाम परेशानियों का हल दीनी तालीम के सीखने और इस पर अमल करने में है। हमारे बच्चे, बड़े, औरतें, जवान सबको खूब अच्छी तरह इस्लामी अकायद से वाकिफ होना चाहिए। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के अहकाम हर एक के लिए ज़रूरी हैं और ताजिर के लिए तिजारत के अहकाम, जिसका जो पेशा हो उस पेशे के अहकाम से वाकिफ होना फ़र्ज़ है। या तो सहीहुल अकीदा उलमा से बराह रास सीखा जाए या घर में उनकी किताबों की तालीम की जाए। नंबर 8, सालिहीन की सोहबत इख्तियार की जाए और उनके सामने अपने बातिनी अहवाल रख कर इलाज करवाया जाए और तज़किये नफ्स की फ़िक्र की जाए। नंबर 9, अपने बच्चों की दीनी तरबियत की जाए और फैशन परस्ती से दूर रखा जाए, घर का माहौल दीनी बनाया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मनकूल हैं उसका खुद भी आदी बने और घर वालों को भी सिखाएं और आदी बनाएं।
सुबह शाम की मसनून दुआएं और अज़कार का ख़ास एहतिमाम किया जाए। आखिरी नंबर 10 आखिरी बात, बुरे लोगों और बुरी तहजीब से मुकम्मल परहेज़ किया जाए, ख़ास तौर पर टेलीविज़न, वीडियो, म्यूज़िक, नाच गाने से बचा जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने टीवी सिर्फ़ ख़बरों के लिए रखा है, मगर उन्हें ये सोचना चाहिए कि मरने के बाद दुनिया भर की ख़बरों का सवाल नहीं होगा, बल्कि ख़ुद आपकी ख़बर ली जाएगी और फिर जज़ा व सज़ा का फ़ैसला होगा। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته